सो सोहेगा गाइस स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बजाज हिंदुस्तान सुगर लिमिटेड ये एक आप देखोगे सुगर सेक्टर कंपनी है और स्टॉक के अंदर आपको दो दिन से नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिल रही है फ्राइडे को आप देखोगे ट्वेंटी परसेंट का सर्किट स्टॉक के अंदर लगा और आज के दिन फिर से आप देखोगे स्टॉक जो आपको ट्वेंटी परसेंट के सर्किट में लॉक होते हुए नजर आ रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है आपको डिटेल में बताएंगे आखिरकार क्यों आपको जो ना ये शेयर दस रुपये से दो दिन के अंदर अंदर आप देखोगे भाई किस पर आते नजर आ चुका जी सोलह रुपए के, के आसपास आ चुका है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए क्या करंट प्राइस पर बाइंग करना सही रहेगा या फिर नहीं क्या इसके अंदर ऑपरेटर गेम चल रहे क्यों स्टॉक के अंदर तेजी बनी हुई है इसके पीछे का रीजन क्या है आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो स्टॉक के अंदर जो तेज़ी बनी है सबसे पहले आप वो रीज़न समझ लीजिए स्टॉक के अंदर जो तेज़ी बनी आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी है हर क्वार्टर में कंपनी को लॉस हो रहा है ठीक है तो कहाँ से स्टॉक हमें जो है इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है उसके साथ साथ आप देखोगे कोई कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है ठीक है या फिर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुई तो ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है न ही किसी बड़ी कंपनी का नाम जुड़ते साथ में नज़र आया है तो स्टॉक के अंदर अचानक तेज़ी क्यों बनी है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है वो है इसके अंदर लगने वाली वॉल्यूम जो अचानक से हमें जो ना वॉल्यूम में इंक्रीजिंग देखने को मिली है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर नीचे से ये पंप बना है और आप देखोगे दो दिन में स्टॉक ने लगभग फोर्टी परसेंट के रिटर्न निकाल कर दे दिए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी का सर्किट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है और यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम लगी है आज के दिन एन प्लस बी दोनों के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तेईस करोड़ चौवन लाख की जी हाँ ट्वेंटी थ्री करोड़ की जो वॉल्यूम लगते नजर आई है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल निभा रही है स्टॉक के अंदर ये पंप आने का वहीं आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में लगभग आपको इक्कीस परसेंट के रिटर्न और स्टॉक अपने वीक हाई से अभी भी आप देखोगे जो बाईस रुपये चालीस पैसे है ना वहाँ से सत्ताईस बिग फॉल पर देखने को मिल रहा है ऐसे में कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर ये स्टॉक अपने वीक हाई को ब्रेक करेगा या फिर नहीं बहुत सारे यूट्यूबर जो बोल रहे हैं स्टॉक पंद्रह जाए बीस जाएगा तीस जाएगा ऐसा क्या होने वाला है कल का क्या लेवल्स रहेंगे तो चलिए डिटेल में आपको बताते हैं तो यहाँ पर जो तेज़ी बनी है उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी टाइम से आप देखोगे स्टॉक के अंदर ये जो शांत मोड में था यहाँ से एकदम से ब्रेकआउट हुआ है बड़ा ब्रेकआउट और स्टॉक आप देखोगे दस से सीधा सोलह पर पहुंच चुका है तो इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ चुका है तो वहीं आप देखोगे लॉस मेकिंग कंपनी है हर क्वार्टर में आप देखोगे कंपनी आपको लॉस पर लॉस दिखाई जो ना देती हुई नजर आ रही है तो यहां पर आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में जो लॉस था आपकी बार कंपेयर करके देखें तो काफी बड़ा लॉस में जंप देखने को मिला एक करोड़ का लॉस हुआ जबकि प्रीवियस क्वार्टर में फोर्टी करोड़ का तो इतना बड़ा लॉस होती हुई भी कंपनी के शेयर प्राइस में आप देखोगे कितनी जबरदस्त तेजी बनी हुई है तो पीछे क्या है गेम है तो इस गेम से आपको बचना चाहिए तो चलिए कल के लेवल्स क्या रहेंगे वो भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे आज का जो डाटा देखने को मिला है स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग थी तेरह पचास ओपन हुआ चौदह अस्सी पर लो रहा है चौदह साठ का ठीक है स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी के साथ ओपनिंग ली बट स्टॉक ने जो हाई लगाया है सोलह बीस का हाई लगाया है, वहीं पर क्लोजिंग लेते हुए नज़र आया है कल के लिए बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है लगभग आप देखोगे पैंतीस लाख तिहत्तर हज़ार क्वान्टिटी का जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है उसके साथ साथ आप देखोगे डिलीवरी पॉजिशन की बात करें तो अट्ठारह करोड़ अस्सी लाख की आज के दिन ट्रेडेड क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है डिलीवर क्वांटिटी की बात करें तो पांच करोड़ इकतीस लाख के आसपास ट्वेंटी एट परसेंट जो डिलीवरी वो उठाई गई है तो डिलीवरी के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ अच्छी डिलीवरी उठती नजर नहीं आई अगर ये डिलीवरी 50 परसेंट के आसपास होती तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता और वहीं आप देखोगे ये जो बाइंग ऑर्डर है 35 लाख के आसपास ये अच्छा देखने को मिला तो इसका मतलब कंपनी के शेयर प्राइस में कल हमें जो ना जो ओपनिंग होगी वो तेज़ी के साथ होती हुई नज़र आ सकती है और कल के आप देखोगे कल के दिन जो ऊपर से करेक्शन का खतरा है वो बढ़ रहा है क्यों क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है क्योंकि तीन दिन में आप देखोगे स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दे दिया है ठीक है दो दिन यूसी लगा चुका है और कल के दिन फिर आप आपको जो ओपनिंग मिलेगा तो अच्छी तेजी के साथ ओपनिंग लेते हुए नजर आएगा तो ऊपर से ऑपरेटर भी अपना माल निकाल सकते हैं पब्लिक भी अपना जो माल है वो सेल करेगी अब इसके अंदर करंट प्राइस पर बाइंग करना थोड़ा खतरे में भी आ सकते हो ठीक है तो ऊपर के लेवल से अब बाइंग करना सही नहीं रहेगा अगर आपको बाइंग करना था तो पहले करना था अब आप देखोगे स्टॉक हाई लेवल हो चुका है तो ऐसे में परचेज करना थोड़ा गलती भी साबित हो सकता है इससे ऐसा किसी और स्टॉक पर आप जो फोकस कीजिए तो चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसे हैं अगर बात करें इसके फंडामेंटल्स को लेकर ताकि हमें जो ना लॉन्ग टाइम के बारे में पता चल जाए कि स्टॉक कैसा है मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 2600 करोड़ का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल आपको दोनों के दोनों नेगेटिव देखने को मिल रही हैं जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के ऊपर स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास हमें आते हुए नजर आ चुका है और वहीं आप देखोगे स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है पर जो प्रमोटर है कंपनी का मालिक है ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेक होल्ड करते हैं वहीं आप देखोगे पब्लिक के पास फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट और एफआई के पास आप देखोगे वन पॉइंट फाइव नाइन परसेंट और जो एफ आई एम सॉरी डी आई या डी आई के पास अच्छा साढ़े पंद्रह परसेंट के आसपास इसके अपोजिट आप देखोगे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो दो हज़ार छियासठ करोड़ का बट कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है लगभग पैंतालीस सौ अट्ठानवे करोड़ का और वहीं आप देखोगे डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रही है टू पॉइंट टू फोर की जो कि लॉन्ग टाइम के बारे में हमें चलने की तरफ से हटा रही है उसके साथ साथ आप देखोगे ई पी एस नेगेटिव आप देखोगे टू पॉइंट फोर फोर का है जो कि नेगेटिव है काफी ज्यादा गलत बात है क्योंकि भी कंपनी लॉस मेकिंग है हर क्वार्टर में लॉस ही कर रही है आप देखोगे सालाना प्रॉफिट की बात प्रॉफिट की बात करें तो दो सौ साठ करोड़ का माइनस में है ठीक है इन्वेस्टमेंट आप देखोगे उन्नीस सौ अट्ठारह करोड़ की अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये अच्छी बात है उसके साथ साथ एज ए लॉन्ग टाइम के बारे में अगर हम सोच के चलें स्टॉक का बिजनेस कैसा है कंपनी का तो बिजनेस के हिसाब से आप देखोग कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा एथेनॉल पर कंपनी वर्क कर रही है एल्को सुगर तो इन सब के बिजनेस में कंपनी लगी हुई है उसके साथ साथ आप देखोगे पावर जनरेशन तो ये सारे जो बिजनेस है आप देखो भाई हमें देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर लेवल पर बट हाल फिलहाल जो गेम चल रहे हैं इस गेम से आपको बचना पड़ेगा अगर आप हाई लेवल से स्टॉक को पिक करके बैठोगे तो इसमें आपको ही लॉस हो सकता है ठीक है तो अभी करंट प्राइस पर बाइंग करना थोड़ा गलत है अगर आपने नीचे के प्राइस से बाइंग किया है तो प्रॉफिट बुकिंग का समय आ चुका है प्रॉफिट बुक कर लीजिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो